तो वेलकम बैक गाइस, और कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक नए बेहतरीन मूवी के साथ आ चुके हैं वापस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा नए एनिमेशन मूवी के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने शायद इस मूवी को मिस कर दिया होगा, तो इसलिए मैं इस मूवी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और जानिए इस मूवी के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में क्या रेटिंग मिला है इस मूवी को, और फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी का नाम है दी विलो बीज। तो ये मूवी जो पहली बार रिलीज हुआ था अप्रैल के 22 तारीख को आ गया था 2020 में, लेकिन ये पहली बार नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था क्योंकि कोरोना की वजह से तो सारे थिएटर्स तो बंद ही थे, तो इसलिए ये पहली बार नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था। फिर बहुत लोगों ने देखा भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में पहले आया था, फिर बाद में ये हिंदी में डबिंग कर दिया गया है, लेकिन शायद बहुत लोग को पता नहीं होगा ये बात। तो ये एक एनिमेशन एडवेंचर एंड कॉमेडी मूवी है। और बात करें इसकी स्टोरी की, तो ये जो इसका नाम जो टाइटल है दी विलो बीज जो लिखा है, तो ये एक फैमिली के से जुड़ा है ये जो नाम है, तो उस परिवार के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। तो आपको इस मूवी में पूरा जो स्टोरी है वो रिवॉल्व होता है एक फैमिली के बारे में, जहाँ पे कि जो पेरेंट्स होते हैं दो, तो वो अपने चिल्ड्रंस को लाइक नहीं करते हैं और इग्नोर करते रहते हैं और सुनते भी नहीं हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों के बारे में। तो होता क्या है ट्विस्ट स्टोरी में कि जितने भी सारे भाई बहन जो है, तो वो लोग एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि कैसे अपने पेरेंट्स को दूर भेज दे और अपने स्टाइल में अपना लाइफ जिए। तो इसलिए वो एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं और उनके पेरेंट्स को फंसाते हैं उस प्लान पे एक दूर की जगह ट्रिप में भेजने के लिए। तो इस तरह से वो भेज देते हैं अपने पेरेंट्स को दूर अपने से, और फिर वो अपना लाइफस्टाइल कैसे जिएंगे इस मूवी में और क्या क्या होने वाला है उनके साथ आफ्टर दिस, ये जो करने के बाद अपने पेरेंट्स को भेजने के बाद दूर, तो ये सब सारे स्टोरी में दिखाया गया है। तो पूरा स्टोरी को मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये फिर एक स्पॉइलर वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ स्टोरी के बारे में। तो मूवी के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रेटिंग दिया है लोगों ने, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि IMDb के यूजर्स ने जो है मोर देन 10,000 यूजर्स ने इस मूवी के बारे में लिखा है, रिव्यू दिया है, और एवरेज करने के बाद 6.4 रेटिंग इस मूवी को मिलता है। और इतना अच्छा रिव्यू का रीज़न भी है बहुत सारे, तो इसमें आपको एनिमेशन जो है क्वालिटी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, कलरफुल ग्राफिक है इस मूवी में, और इसका स्टोरी भी ज़्यादा यूनिक है और नया टाइप का स्टोरी है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह का स्टोरी भी हो सकता है, तो इसलिए इसका जो अच्छा रेटिंग है। तो ये सब वजह है, अगर आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तो अभी जाकर इस मूवी को देखिए, अगर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप अभी देख सकते हैं इस मूवी को। तो इतना ही बताना था मुझे आपको, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक और एक अच्छी मूवी के साथ। तब तक लिए अलविदा दोस्तों, एंड टेक केयर।